इस गांव में 800 वोट है, वो 800 वोट नहीं डले और इसके बाद ये बीजेपी का फायदा हो, इसलिए मैंने अभी फैसला लिया है। अभी हम जब तक पहले वोट डलाऊंगा, मैं खुद कैंडिडेट अंदर पोलिंग में जा रहा हूँ, जब तक वोट पड़ेंगे जब तक मैं अंदर रहूंगा, और उसके बाद सारे वोटों को डलाने के बाद मैं अगला कदम उठाऊंगा। सबसे निवेदन है 5 बजे के बाद में सब लोग इस गांव में बुलाएं। इस गांव ने तो सुबह 7 बजे से चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। इनकी मांग ये है, पहले ये पूरी पंचायत जो मराइता पंचायत है, ये पूरी पंचायत गुनियारा उपखंड में आती थी, लेकिन पिछले समय इस पूरी पंचायत को गुनियारा से तोड़कर इनको देवनी उपखंड में जोड़ दिया है। गुनियारा इनके नजदीक पड़ता था, देवनी इनसे 85 किलोमीटर दूर है। जब मैं यहाँ आया, मैंने इनको समझा इसकी कोशिश की गांव वालों को, उन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमारे साथ धरने पे बैठो, हमारी वाजिब मांग है और हम चाहते हैं सरकार तक हमारी मांग को लिखित में जाए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात की थी सुबह, क्योंकि मेरे जो बैलेट पेपर था जो ईवीएम पे चिपका हुआ था उसमें भी सारे लोग डार्कनेस थी, मेरा बिल्कुल हल्का नजर आ रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने और बीजेपी की गवर्नमेंट द्वारा मुझे मेरे साथ साजिश की गई थी। और मैं जब इनके साथ बैठा, इनकी डिमांड थी पूरे गांव वालों की कि हमें, पूरे गांव वालों की डिमांड थी कि हमें कलेक्टर महोदय यहाँ आए। और पिछले दो घंटे से मैंने कलेक्टर अवेयर किया, टीचर को और एक आंगनबाड़ी की हस्बैंड को जबरदस्ती एसडीएम ने वोट दिलवाया, जिसका गुस्सा पूरे उसमें था। यहाँ का एसडीएम ने पहले भी बदतमीजी करी है, उसको लेकर पूरे गांव में बैठा रहा। हठधर्मी तो ये हो गई कि ना कलेक्टर नहीं आया, या एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कहा एसपी को बुला दो, एसपी नहीं आया, तब हमने कहा गांव वाले वोट दो, हम 5 बजे अगला फैसला उठाएंगे।